प्लीज़ वेलकम बैक टू माई चैनल और स्टाइलिंग विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी। तो कैसे हो गाइज आप सभी। और आज से एक महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने के लिए पूछा था, तो आप सभी ने बोला था कि हाँ शेयर करना। तो गाइज ये कोई स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं है, ये मेरे साथ बीती हुई सच्ची घटना है जिसको शेयर करने के लिए मेरी बहुत ही ज़्यादा फटती है। मैं नहीं शेयर करना चाहती हूँ ऐसी स्टोरी को, क्योंकि जो कि मेरे साथ घटी है, जिसे मैंने सालों तक झेला है, जिस चीज़ को मैं उसको आप लोगों के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मैंने लास्ट मंथ में आप लोगों से पूछा था कि मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि हॉरर स्टोरी है, और ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है या फिर किसी की कही सुनी स्टोरी नहीं है, ये मेरे साथ आप बीती स्टोरी है। तो इस वजह से मैं सोच के ही डर गई थी लास्ट टाइम कि मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी याद भी नहीं करना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या कुछ घटा था। और वो बहुत ही बेकार पल था, मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल था गाइस। उस पल को मतलब उन सभी चीज़ों की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें झेली है, बहुत सारे दुख झेले हैं, जिसकी वजह से मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ा था, बनारस छोड़ के मुझे दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से जब जाके कुछ हद तक जाके मेरा उन सभी चीज़ों से पीछा छूटा। अगर मैं बनारस नहीं छोड़ती और दिल्ली नहीं आती तो मेरा उन सभी चीज़ों से पीछा बिल्कुल भी नहीं छूटता। तो काफ़ी टाइम पहले की बात है, और जब मैं पढ़ाई करती थी तभी से मुझे हमेशा सब मतलब मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत थी हर चीज़ की, मैं हर चीज़ से लड़ सकती थी हर चीज़ से। लेकिन हमारे जो बनारस है, यूपी वगैरह जो शहर होते हैं ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें घटनाएं बहुत ही ज़्यादा आम थी। आम इसलिए थी क्योंकि मेरे घर के बगल में मुश्किल से 5 या 10 मिनट की दूरी पे एक पागल खाना है, और जिसका असर बार बार कई बार मेरे भाई के साथ भी हुआ। और मतलब उस रोड से रात को गुजरना मतलब अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालने के बराबर, वो बहुत ही बड़ा पागल खाना है। वहाँ पे बहुत सारी डेट वगैरह होती रहती है। और सबसे बड़ी बात, मुझे जब मैं बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि जो हमारे मम्मी का घर है, यानी कि जो हमारे दादाजी का घर है, वो घर जो है पूरा कब्रिस्तान के ऊपर बना है। ये सोच के मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी जब मैंने पहली बार इस चीज़ को सुना था। तो एक्चुअली मेरे दादाजी के टाइम पे वो ज़मीन बहुत सस्ते में मिल रही थी, और वो ज़मीन मेरे दादाजी के ख़रीदने से पहले वो पूरा कब्रिस्तान था, तो मुसलमानों का कब्रिस्तान था वो, और मेरे दादाजी को वो ज़मीन बहुत सस्ते में मिल रही थी, मेरे दादाजी ने उसको ख़रीद लिया। और ये वीडियो मैं रात के 12 बजे बना रही हूँ, पहले मैं आपको घड़ी दिखा दूँ। तो इस समय 12 बज रहे हैं और मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है उन सभी चीज़ों को याद करके। मैं बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती हूँ, बाबा रक्षा करना मेरी। तो मैंने फाइनली बहुत हिम्मत करके सोचा कि आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करूँ। तो हमारे जो घर है वो दादाजी ने तो ख़रीद लिया था, ज़मीन ले लिया था और पूरी हवेली की तरह बनवा दिया था। और मेरे दादाजी के जो है 5 बेटे हैं, और 2 जमीन खरीदी थी मेरे दादाजी ने, और फिर 1 जमीन खरीदी थी मेरे बड़े पापा ने। तो इस तरीके से था। तो जो मेरे दादाजी का घर था उसमें रात को घटनाएं घटती थी, क्योंकि हमारे जो पूरा हवेली था ना, वो इस तरीके से बनाया गया था कि उसमें बहुत सारे किराएदार रह सके, बहुत सारे एक जगह पे नल, और ऐसे लाइन से 4 लैटरिन 4 बाथरूम, ऐसा जैसे शौचालय जैसा होता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा ही सिस्टम बना रखा था पहले, और अभी तो टूट टूट के सबने अपना अपना बनवाया है फिर से। तो और सबको वही वॉशरूम, वही सब कुछ यूज़ करना पड़ता था। तो किराएदार भी उसमें जाते थे और फैमिली भी जाती थी, तो इस तरीके से। और सब लोग उस समय गर्मियों में हम लोग छत पे ही सोया करते थे। तो वहाँ पे रात को 12 बजे बहुत अजीब अजीब तरीके से आवाज़ें आती थी गाइस। तो डर तो लगता ही था क्योंकि आवाज़ें आती थी, या फिर मैं जैसे आँख बंद करके सोती थी, सपने देखती थी, तो ऐसा लगता था कि बहुत ऊंचाई से गिर रही हूँ और एकदम से मेरी सांसें अटक गई हो। तो ये सारी घटनाएं घटती थी।
और मैंने आज तक कभी कुछ देखा नहीं था, लेकिन लास्ट जब मैं कि मैं मेरे को रात को मतलब शाम से ही लूज मोशन स्टार्ट हो गए थे, तो रात को मुझे 12 बजे लूज मोशन लगा और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। टाइम मैंने नहीं देखा, कुछ भी मैंने नहीं देखा, और एकदम ना ही मैंने किसी को उठाया। धड़ल्ले से मैं वॉशरूम चली गई, और वॉशरूम में जो नज़ारा मैंने देखा, ना ही मैं उसको देखने के लायक थी, ना ही मैं उसको समझने के लायक थी। और मुझे ऐसी जगह पे गिराया पटका गया था कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब जो लेटरिंग का जो पॉट होता है, नीचे वाला सीट वाला था, और जब मुझे होश आया ना, तो मैं अपने आप को लेटरिंग में पाया, और मतलब बहुत ज़्यादा स्केरी था। बट बस जो जब मैं वॉशरूम के अंदर घुसी, तो बस मुझे एक फिगर नज़र आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बस मुझे एक अजीबोगरीब सा फिगर नज़र आया, इससे पहले कि मैं उस फिगर को देख पाती और कुछ समझ पाती, उसने मुझे अपने आप को देखने ही नहीं दिया। उसने मेरे को बाथरूम में ही पटक दिया और मैं बेहोश हो गई। और सब गहरी नींद में सो रहे थे, किसी को नहीं पता कि मैं वॉशरूम गई हूँ कि क्या। और आधे घंटे के बाद जब मुझे होश आया, मैं उठकर आई और मैं चीख चीख के रोने लगी, तो फिर मम्मी और सब उठ गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तब मैंने सारी घटनाएं बताई, और अगले ही दिन मुझे बहुत ज़ोर की जो है फीवर चढ़ गया। और ये घटना होने के बाद पूरे 2 साल तक मैं अपने होशो हवास में नहीं थी, और मेरा पूरा फैमिली जो है, पूरा परिवार मुझे लेके बहुत 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 झेला है गाइस। और कई बार तो मैं ट्रेनों में चढ़ गई, कई बार तो मैं छत पे से लटक गई, लोग मेरे हाथ पकड़ पकड़े के, कोई अगर मुझे अचानक से ना देखे तब तो मैं कूद जाती थी। जो चीज़ थी वो मुझे गिराने की, या फिर एक्सीडेंट करने की, या फिर ये सारी चीज़ें कोशिश होती रहती थी मेरे साथ। मैं छत पे से लटक जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था। तो फिर बाद में मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, बाद में मुझे पता चला कि जो मेरे बड़े ताऊ थे, उनके कुछ चीज़ें बातें जो है बाहर आ रही थी, क्योंकि जो मेरे बड़े पापा के साथ हुआ था, वो मेरे जरिए बुलवा रहे थे बहुत सारी चीज़ें। जिसमें मुझे कुछ नहीं पता, मेरे मुंह से खून आते थे, मेरे चाचा के, मेरे चाची के, मतलब सबके घर में मेरे मतलब सब खून ने खून खून खच्चर हो जाता था। मुझे बहराइच लेके जाया गया, बहराइच तक लेके गया, वहाँ की जो शुद्ध पानी होता है उसमें नहलाया गया ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। लोग ले लेके भागते थे। मैं एक बार मुंबई के ट्रेन में तक बैठ गई थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो ट्रेन कहाँ जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगी। और इलाहाबाद जाके मतलब जब मेरी मम्मी ने मेरे चाचा को और बड़े पापा को फ़ोन किया कि जो है मेरे घर का नाम डेजी है, कि डेजी पूरे घर में नज़र नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ है। और इस सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे हमारे जानकार कोई ना कोई मिल जाता है, तो वहाँ पे हमारे एक पड़ोस के कोई जो घर के लोग थे ना, उन्होंने हमें ट्रेन में बैठे हुए देख लिया। तो वो मेरे चाचा को जाके बता दिया कि आपकी लड़की जो है ना, ये मुँह फैलाने वाले ट्रेन में बैठी है। तो मेरे चाचा को वो सारे रूट पता थे। मेरे चाचा ने मेरे को इलाहाबाद जाके, जब इलाहाबाद ट्रेन रुकी थी, तो उससे पहले वो 4 व्हीलर लेकर इतनी स्पीड में गए थे कि उन्होंने मुझे इलाहाबाद की स्टेशन से जो है पकड़ के वापस लेकर आए। और जैसे ही मेरे चाचा ने मेरे हाथ पकड़ा और मेरे को स्टेशन से बाहर लेकर आ रहे थे, उतने देर में मैं बेहोश हो गई सड़क पे ही। लोगों ने भीड़ लगा लिया, पूछना शुरू कर दिया कि क्या है, लड़की को क्यों लेके जा रहे हो। तो बोले मेरी एक बेटी है और इसकी जो मानसिक हालत है ख़राब नहीं। और वो घटनाएं मेरी फिर मेरे साथ चलती रही। कहीं पे भी कोई मेरा रिश्ता देखता था तो वो रिश्ता जो है नहीं हो पाता था, होने ही नहीं। तो ये रीज़न था मेरा, कहीं कोई रिश्ता हो ही नहीं पाया। बहुत सारे जगह, खास खास जगह पे मेरे लिए रिश्ता देखा गया और कहीं पे भी नहीं हुआ। तो बहुत सारी दिक्कत, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मैं बहुत ज़्यादा झेल रही थी। तो फाइनली बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो मैं अपनी ज़िंदगी में झेल रही हूँ, आती हूँ। तो वो सिचुएशन मेरे साथ आज भी चल रही है, लेकिन उस लेवल तक नहीं कि मैं कहीं चली जाऊँ, या फिर हाँ मैं आज भी अपने आपे से बाहर हो जाती हूँ। जब मैं नींद में होती हूँ, जब मेरी आंखें खुलती है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ कुछ 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 चीज़ें। लेकिन मैं रात रात भर उठ के सारे कमरों में वॉशरूम के लिए आती हूँ, मुझे वैसे नहीं डर लगता है। लेकिन हाँ, कुछ मेरी आज भी कुछ चीज़ें, बुरी चीज़ें जो हैं, कहते हैं ना पीछा नहीं छोड़ते हैं,
तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, मैं कभी कभी अपने आपे से बाहर भी हो जाती हूँ, और इन लोगों को सिचुएशन संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है, इट्स ट्रू गाइस। तो मैं नहीं बताना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे लोगों को मजाक लगेगा। अगर जो लोग बनारस में रहते हैं तो जाइए मेरे खानदान में, किसी से भी पूछ लीजिए आप लोग किडे जी के साथ क्या हुआ था, तो आपको कोई भी बता देगा। मेरा ये नाम ही लोगे ना तो आपको कोई भी बता देगा, ठीक है? क्योंकि ये पूरे आगे बनारस में पता था कि मेरे साथ क्या होता था, जब मेरे मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ था जब मेरे अंदर आता था ना, सबकी हालत ख़राब हो जाती थी मुझे। मतलब बाद में जब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी तो मुझे बताने जाने लगा, तो किसी ने जो है सजेस्ट किया था कि इनको जो है ना इस सिटी से अगर ये यहाँ पे रहेंगे तो इनको ये सब प्रॉब्लम्स होती रहेगी, अगर आप ये यहाँ से चली जाती हैं तो इनको जो है इस सिटी से इनको हटाना पड़ेगा। तो मैं जो है मेरी मौसी यहाँ पे रहती थी, तो फिर मैंने अपने जो मेरी मम्मी है मौसी को फ़ोन किया, मेरी सगी मौसी नहीं है, तो मेरी मम्मी ने मौसी को फ़ोन किया, और फिर मेरी मौसी जो है मुझे यहाँ दिल्ली लेकर आ गई थी। तो फिर मैं अपना यहीं पे अपना कोर्स वगैरह सब स्टार्ट पहले से ही कर रखा था। बाकी टाइम पे मैं नॉर्मल रहती थी, लेकिन अचानक से मुझे क्या हो जाता था, मुझे उस समय का सिचुएशन का इस कुछ भी याद नहीं रहता था, बहुत बुरी हालत है। कुछ बहुत सारे जगह पे दिखाती थी, कुछ लोग कहते थे कि इसको किसी ने कुछ कर दिया है, या बहुत सारी मतलब लोग अपनी अपनी तर्क लगाते थे। तो मैं बहुत आबा बाबा ताबा के पास जा जा के थक गई थी, कि कुछ लोग भ्रम भी फैलाते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें क्या थी मैं आज भी कहने को तो गाइस आज भी मैं नहीं मानती हूँ। तो ऐसी घटनाएं मेरी जब आपके आपके साथ कोई एक चीज़ जुड़ जाती है ना, तो वो निगेटिविटी अगर आप कहीं जा रहे हो ना तो कहीं निगेटिविटी है ना, तो आपके साथ एक के बजाय दो हो जाएगा, दो के बजाय तीन हो जाएगा। तो ऐसी मेरे साथ ना सालों से मतलब लगा रहता था कि कहीं पर भी मैं जाती थी ना, अगर कुछ ऐसी चीज़ है ना तो वो एक के बजाय दो हो जाता था। ऐसी मैं एक शादी फंक्शन में गई, तो वहाँ पे भी एक ऐसी चीज़ें थी, नहर था उसमें कोई कूद के अपनी जान दिया हुआ था। तो एकदम से मतलब मुझे तो नहीं पता, मुझे बाद में पता चला जबकि मैंने ये सब बका है कि मतलब वो जो कुछ भी था उसने मुझे पसंद कर लिया था, ये भगवान मुझे ले जाने के लिए आया है। ओह माय गॉड, जब मैंने सुना था ना मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। तो उसको भी ठीक कराने के लिए मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मेरे मेरी इस हालत की वजह से ना मेरे घर वाले बहुत परेशान हुए। मुझे आज बहुत अफसोस होता है कि मेरी वजह से मेरी मम्मी और मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स बहुत परेशान हुए। तो मेरे घर के पास भी एक पागल खाना है, इस चीज़ को देखा है गाइस, इस चीज़ को झेला है, और ये सारी घटनाएं मेरे साथ घटी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी घटनाएं घटी है जो कि मेरे ननिहाल का है। अगर आप लोग, ये कोई स्टोरी नहीं है गाइस, ये मेरी रियलिटी है। अगर आप लोग उसको जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी, हिम्मत करके शेयर करने की कोशिश करूँगी गाइस, क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं है ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं अपने साथ बीते ऐसे दिन को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती हूँ। और आप लोग जाके देखना आप लोग, और उसकी भूतिया कहानी आपको सब पता चल जाएगी, जो कि मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे ही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओ गॉड, तो आप लोग सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। और बनारस में जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो सब बहुत सारी चीज़ें रियलिटी है, क्योंकि वहाँ पे पुराने ज़माने के लोग, राजा महाराजा, रामनगर का किला, और वहाँ का जो रामनगर का जो पुल है वो बहुत ही खतरनाक है। वहाँ के पुल पे रात के 12 बजे गुजरना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव वहाँ पे मारे गए हैं, तो जिनकी लाश भी दो दो तीन तीन महीने के बाद मिली है, वो भी सड़ी हुई। तो ये थी स्टोरी गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम कोई ऐसी आकृति देखी जिसकी वजह से मैंने बहुत साल झेला है, और वो क्या चीज़ था, और मैं तो देख भी नहीं पाई, बेहोश हो गई। लेकिन उसके बावजूद जब मेरे साथ 2 साल जो एक्टिविटियाँ सारी हुई, तो गाइस ये थी मेरी सच्ची घटना, सच्ची कहानी। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैं कोई व्यू के लिए नहीं, कोई आप लोगों को डराने के लिए नहीं, बट हिम्मत करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये थी मेरे दिल की बात, मेरी रियलिटी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।